देखिए बचपन में वो कविता तो हम सबने पढ़ी थी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे लगता है कुछ लोगों ने उल्टी पढ़ी थी, तभी तो फीफा में झंडा उल्टा हो गया हमारा। बहरहाल जब नौरा फतेही को हाल ही के एक मीडिया इंटरैक्शन में इसके जुड़े सवाल पूछे गए तो जाहिर सी बात है कि वो छुपती छुपाती रही। तो इसलिए झंडा हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि झंडा जब ऊंचा रहता है ना तो हर किसी का सर भी उतना ही ऊंचा रहता है। ये इवेंट खत्म होने के बाद नौरा से बात करने का टाइम मिलेगा? नहीं। वेरी गुड, शाबाश, यही करना है। खेल खेल में कब किसके साथ खेल हो जाए कोई नहीं जानता। फीफा वर्ल्ड कप में नौरा फतेही ने जो कामयाबी का परचम लहराया है वो तो किसी से छुपा नहीं। I'm obviously here because I got paid, but I'm also a big fan of sports and I support athletes. You know, I'm part of right now FIFA as we speak. So yes. शायद यही नतीजा है कि नौरा मीडिया के सवालों को फेस नहीं कर पा रही। सच तो ये है कि ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए कि सवालों का जवाब देना भारी पड़ जाए। इवनिंग, वेरी गुड, शाबाश, यही करना है। वेरी गुड। हम अपने दर्शकों को बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप के एक इवेंट में नौरा ने इंडिया का फ्लैग उल्टा पकड़ा था, जिससे देखकर हर भारतीय का दिल टूट गया और शर्म से सर झुक गया होगा, क्योंकि जिस नौरा को इंडियंस ने इतना प्यार किया उसने कतर में जाकर जाने अनजाने में ही सही मगर सारी दुनिया के सामने हम सब का मजाक बना दिया। उस कंट्रोवर्सी के बाद नौरा एक ऐसे ही स्पोर्ट्स इवेंट पर पहुंची जहां टीम की जर्सी रिवील करनी थी। अच्छा हुआ जर्सी पहले से ही ठीक पोजीशन पर थी, सिर्फ उसे रिवील करना था। नौरा और उसकी टीम की हरकत देखकर बस यही कहने का मन होता है कि अगर मीडिया के सवालों से कतराना है तो मीडिया को इवेंट पर क्यों बुलाते हैं। लेकिन इसमें बात यह भी है कि इवेंट वाले भी जानते हैं कि क्यों ना कंट्रोवर्सी का फायदा उठाया जाए और मौके पर चौका मारा जाए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।